है और अभी अभी ये चोटीलों कर आए हैं और अभी छर्रा है जो निकालने की कोशिश हो रही है। खालसा ऐड की तरफ से डॉक्टर यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। छर्रा पैलेट गन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पैलेट गन जो है सिर्फ उन पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, इनकी बॉडी पर भी इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए इनकी बॉडी से भी छर्रे निकालने की कोशिश हो रही है और देखिए किस तरह से निडल से धीरे धीरे आराम से ये छर्रे निकाले जा रहे हैं और पूरी बॉडी में इनके छर्रा लगा हुआ है। और ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं जो पैलेट गन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि पैलेट गन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर हो रहा है। आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि जब पैलेट गन फटता है तो उसमें से बहुत सारे छर्रे उड़ते हैं और वो छर्रे आपको कहीं भी लग सकते हैं, आँखों में लग सकते हैं, और अगर बहुत करीब फटता है तो तस्वीर बहुत ही भयावह हो सकती है। और यहाँ पर खालसा ऐड की तरफ से लोग हैं जो लगातार घायल किसानों की मदद कर रहे हैं। और सर आप खालसा के इंडिया हेड हैं, खालसा ऐड के, सर आप बताइए यहाँ पर आप कब से कैंप लगाए हुए हैं और स्थिति क्या है? स्थिति तुसीं कवर कीती सवेर दी, ते असीं इत्थे कल दा कैंप लाया वा, ते उहदे विच असीं चार एंबूलेंस लैके डॉक्टरां दी टीम लैके इत्थे पहुंचे हां। जिद्दां किसे नूं तुसीं कवर कीता वा, सट पिट लगदी है, चोट लगदी है, जिस तरह उह अगे अथरू गैस जां दूजे गोले दाग रहे आ, छरे लगदे आ, ते फिर उहनां दा जिहड़ा ट्रीटमेंट इत्थे असीं जिहड़े बेसिक करदे आ। अब तक कितने घायल लोग आपके यहां पर आए हैं? इत्थे 100+ आ चुके आ वा, जिहदे चों असीं चार जिहड़े से मेजर आ जिन्हां नूं हॉस्पिटल रैफर करना पिया। हुण इक आया वा, उहदे वी अख ते सट बहुत ज्यादा वा, डॉक्टर साहब देख रहे आ, हो सकदा उहनूं वी हॉस्पिटल रैफर करना पवे। चार लोग हॉस्पिटल रैफर हो गए जो बहुत सीरियस इंजर्ड थे। किस तरह की इंजरीज थी? वो तो सब तो छोटी उम्र दा इक बच्चा सी, जिहड़ा 14 साल दा सी, बच्चा सी, 14 साल दी उम्र दा सी, जिहदी लत्त ते छर्रा लगा सी, पर बहुत डूंघा सी। छर्रा उनको भी लगा था? हाँ, छर्रा उनको भी लत्त में लगा था, वो बहुत डूंघा था, तो उसको पट्टी करके हमने हॉस्पिटल भेज दिया। पट्टी करके आपने भेज दिया? और छर्रे दिखा देना, जो छर्रे ना बॉडी से निकाले हैं। मेरा जी एक तो अपना हम मगर भी मैं ये नहीं। अच्छा अच्छा, देखो गणपति का टेस्ट चेक करिए, काम करिए, आप चेक कर लोगे प्लीज, मैं बात करते रहूंगा, आप दिखाते रहिए। और ये एसएम दिखा दे दीपक, मेरा जाकर तो है इसमें नहीं है, इधर कर दे, नहीं है इधर कर दे, वहां ये एक छोटी वाली है, इनको जो लगा है इसका कोई बात नहीं, ये आपके हाथ में नमक आप लिए खड़े हुए, नमक किस लिए लेके? ये नमक इदा है जो अथरू गैस छड़दे आ, ओदा जड़ा धुआं प्रदूषण दा अंदर एकदम चढ़दा बंदे दे, ये जदों नमक आपां मुंह दे विच पा एकदम पा लैने आ, ओदे नाल आपां बाहर सुक दिंदे आ, फिर नूण नमक पा लैने, जिहड़ा साडे घबराहट हुंदी आ वो घबराहट नहीं होती, तो जो बीपी होता वो कंट्रोल हो जाता, कंट्रोल भी होता, एक गैस जी अपने अंदर चढ़दी, धुआं चढ़दा वा, ये जो आप नमक मुंह ही पा लिया ये वो चीज नहीं चढ़ती, बंदे घबराहट होती है, बंदा भजदा। तो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये नमक इसलिए ले रखा है, जब आंसू गैस के गोले इधर छोड़े जाते हैं तो आंसू गैस का धुआं जब चढ़ता है किसानों को, तो ये उस नमक को चाट लेते हैं और उससे वो घबराहट नहीं होती, और फिर उसको थूक देते हैं, फिर चाट लेते हैं, फिर थूक देते हैं, तो जो आंसू गैस की जो धुआं है वो किसानों को नहीं चढ़ता। ये एक हिसाब से देसी जुगाड़ आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों ने बना रखा है। देखिए ये
ये आप देखिए कि किसान को जो किले लगी हुई है उनको तोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किसान लेके आगे लिफ्ट लेके जा रहे हैं, और ये किसान बैरिकेड खींचने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये बेल आप देखिए, और ये ऐसे जो बेलों के अलावा जो मैट चटाई ये गिली कर रहे हैं ताकि आंसू गैस के गोला जब पड़े वो कर सके। तो भाई जी ये संगल बैरिकेड खींचने के लिए? हाँ जी हाँ, बैरिकेड खींचने ले जाएंगे। तो जाएंगे आज? हाँ जाएंगे जाएंगे, आप तैयारी हो ये महाराज देखो डंडा बाज गए पके पूरे जमा के खींच के लेके जाएंगे जी। तो किसानों का जो पूरा एक हिसाब से कमिटमेंट है कि वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, और वही ये तैयारियां किसान कर रहे हैं। ये 4x4 ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर आप देख लीजिए कि कैसे तैयारियां चल रही हैं, और इससे ये बैरिकेड खींचेंगे।